just feel the vibe. Pahade, purane song on long drive. को बहुत टाइम के बाद बाहर घूमने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था कि कोरोना के टाइम के बाद तो मोस्टली कोई बाहर जाता ही नहीं रात को, और वो भी प्लस पॉइंट है कि मैं रात में आ रहा था पूरा रास्ता खाली, वरना अहमदाबाद वाले तो बहुत ज़्यादा घूमते हैं लेट नाइट तक, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि कोरोना की वजह से लोग बाहर घूमते हैं लेकिन बहुत जल्दी घर जाने की आदत हो गई है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शादी और उसी में से मैं एक अटेंड करने जा रहा, सब लोग चले गए मैं एक बाकी हूँ क्योंकि कुछ असाइनमेंट अपलोड करने थे। ट्रैफिक ने बहुत बुरा मान लिया, बहुत सारी ट्रैफिक इन पहुंच तो गए हैं अभी। The next day. अभी बजे कुछ 10:30, कल रात को पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी आराम से सोया, और भाई 12 बजे को अपने एग्जाम है, ये टाइम मेरे को समझ नहीं आता 12 बजे। दोनों चिड़िया रोज आती है अगर इनकी आवाज़ सुन के सुबह सुबह मन एकदम फ्रेश हो जाता है, और हमारी सुबह चाय से ना करते हो हम गाने से करते हैं, क्योंकि मैं आराम से पीता हूँ सुबह। इट्स 15 दिसंबर और कल की और आज की दोनों की एग्जाम खत्म हो गई, अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है वो तो मेरे को भी नहीं मालूम तो अभी देखते हैं। भाई ट्रैफिक बहुत ही अच्छी खासी थी, आई फील गुडी इज बेस्ट क्योंकि इसको मस्त पहन सकते हैं, ठंड भी नहीं लगती है और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना रिसेप्शन इज ऑन पॉइंट फंक्शन, बताई दो खाना खाओ निकल जाओ, सिर्फ दूल्हा दुल्हन का एक प्रॉब्लम रहती है कि ऐसे ऐसे स्माइल चुपका के बैठे रहना पड़ता है। आपके हिसाब से कलयुग में असली मित्र का मतलब क्या होता है मालूम है? जो मित्र 2021 में पेट्रोल की परवाह ना किए बिना 12 किलोमीटर घूम के आए दोस्त के कुछ ज़रूरी काम के वजह से, उसे कहते हैं असली दोस्त। याद रखना विवेक बाबू, आपकी दोस्ती मैंने खूब ली थी। पुणे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लाइक ड्राइव वॉज सुपर स्मूथ, हमने विसनगर वाला रोड चूज किया, हिम्मतनगर से भी जा सकते हैं लेकिन उधर ट्रक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अहमदाबाद से गांधीनगर वाला रोड पूरा चकाचक कर दिया, उसके बाद गांधीनगर से गोधरा तक थोड़ा डबल लेन रोड था तो थोड़ी स्पीड कम हो गई, उसके बाद मिलता है क्या गुजरात में? अम्बाजी स्टिल 91 लेफ्ट, जितने अपने एग्जाम में हमारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड नहीं होते, जितना रोड में ट्रैफिक अनएक्सपेक्टेड नहीं होता उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड में ट्रांजिशन हो रहा है, लोग पता नहीं किधर से शुरू किया था और किधर जा रहा है। एक्चुअली ट्रिप इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि हमने थेपला पैक नहीं किया लेकिन बैठे हैं तो चल गए चाय पी। अगर आप विसनगर से क्रॉस कर रहे हैं तो ये मेन सर्कल है, उसके सामने ये गांठे वाला है, ज़रूर ट्राई, सुपर सॉफ्ट और मिथिना कोटा फुल फैमिली ट्रिप। डायरेक्ट जाएंगे और डायरेक्ट जाके वापस तुरंत घर पे ही जाना है, 200 प्लस 200 कुल 400 किलोमीटर किलोमीटर 10:15 और अभी सूर्यदेव का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, दिखा रहा है 21 डिग्री लेकिन सूरज एकदम सामने आ रहा है, विटामिन डी का भरपूर उपयोग करते हुए गर्मी तो बिल्कुल बोर नहीं होते क्योंकि हाथ और पैर का भरपूर उपयोग हो रहा है ओवरटेक करते हुए। अभी रोड नया बना है इसलिए बहुत ही स्मूथ है।
जस्ट फील द वाइब, पहाड़े, पुराने सॉन्ग और लॉन्ग ड्राइव. और भाई अंबाजी पहुंच गए, गाड़ी उधर पार्क की है, मंदिर इस साइड है. नवरात्रि के टाइम पे इधर मार्केट में चलने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन अभी पीक टाइम नहीं है इसलिए बहुत खाली खाली मार्केट है और मैं एकदम खचाखच भरा होता है. मंदिर खुलेगा 12:30 बजे तब जाएंगे. अभी जस्ट ऐसे ही मार्केट में घूम रहे हैं, ये सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ चक्कर लगा रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ. और पुणे में जाकर कितने सॉन्ग रिकॉर्ड किए? 0. ऐसा कभी भी चलेगा? बाय द वे सिंगिंग के लिए पुणे में स्टडी कर? सिंगिंग के लिए नहीं, इंजीनियरिंग. कोई सॉन्ग अपलोड नहीं हो रहे आजकल. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. क्या शाइन रिफ्लेक्ट हो रही है. ये जो चमचमाता दिख रहा है ये पूरा शिखर गोल्ड का बना हुआ है. मेंढक गोपी भाई की बॉडी. शरबत क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है और हुडी इसलिए और भी ज्यादा लग रही है, सूरज का प्रकोप भी बहुत अच्छा खासा है. मंदिर खुलने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, मार्केट भी अच्छी खासी घूम ली. इधर से डायरेक्ट निकलने का पूरा रास्ता बंद कर दिया, अभी पूरा घूम के जाना पड़ेगा. सारा सामान और फोन वगैरह गाड़ी में जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर में ले नहीं जा सकते. दर्शन कर लिए, मन की शांति प्राप्त कर ली. अभी पेट की शांति प्राप्त करनी है. बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है. कितने बजे? 1:30 बजे और भूख बहुत ही ज़्यादा लगी है. मंदिर किस तरफ था? इधर से थोड़ी ही आ गया है. ऐसे फोटोज कौन खींचता है मालूम है? छपरी लोग. उसको न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कर दिया तो आराम से गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है और सीनरी भी बहुत मस्त आ रही है. दुल्हन गाड़ी. ओके, सो ये थर्ड एंड लास्ट रेस्टोरेंट है, यही उम्मीद है लास्ट में. बाकी दो में गए, दो में जाके वापस आ गए. पूरे 3 बज गए.
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, कैमरे में बिल्कुल समझेगा नहीं। बाय द वे आज हम सुबह निकले थे 7:30 बजे और अंबाजी पहुंच गए थे 11:30 बजे, लेकिन हम अंबाजी से निकले थे 1:30 बजे और घर पहुंचे थे 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे तो अहमदाबाद एंटर किया था, घर पे पहुंचे थे कुछ 7:15 बजे। बहुत ही ज़्यादा देर लगी क्योंकि 2 बार गूगल ने गलत रास्ते पर चला दिया और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। एनीवेज और भी बहुत सारे प्लान है, होपफुली एग्जाम के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट योर थॉट्स, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। आओ जो कुछ कुछ हो नहीं रहा, हमें हथौड़ा मारियो बहु ऊंडो छे जोक्स खबर पड़े तो।